वेलकम बैक न्यू ब्लॉग। तो आप में कैसे हैं दोस्तों, उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे दोस्तों। तो अभी देख सकते हैं आशीष जी पौधा लगा रहे हैं, अभी शाम का टाइम में, क्यों शाम में ही धूप इतना रहता है ना कि ज़्यादा ही धूप रहता है। तो आशीष जी बोले कि मौसम जहाँ ठंडा होगा तो हम अपना काम करेंगे। तो इधर पे गोबर खाद लाने गए थे, ये देखिए एक बोरा गोबर खाद लाए हैं, उसी से बेचारा अपना काम चलाओ, खेती कर रहे हैं। क्या हुआ, ये देखिए मट्टी मट्टी कह रहा है, वो भी काम करगा। और यहाँ पे देख सकते हैं एक दो तीन चार, मतलब भिंडी का बीज लगा रहे ना, मतलब उसको आगे ना ग्लास में उगा लिए थे, उसके बाद उसको नीचे ट्रांसफर कर रहे हैं ना, गोबर उबर मिला के ना जी। तो इसको खोद रहे हैं फिर गोबर डाल रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे गोबर लेके, अभी ना बहुत पुराना गोबर का खाद है, इसी से ही होगा। देखिए आपका गाछ में कितना अच्छा फूल भी हुआ है इनका बगान में, है ना। दो तो एक तो कल ही तो सुबह में फेंकाया हुआ था, अभी इसी तरह से आशीष जी ना सारे अभी जितना भी पालक बोए ना, पालक तोड़ के बना ले बोल के। देखिए दोस्तों ये बहुत ना छोटा छोटा पालक है, अभी ज्यादा बड़ा हुआ नहीं है, तो इसको बोल रहे कि अभी सब्जी नहीं, इसी को बना देते, बना दे बोलिए। आशीष जी चौलाई साग, चौलाई साग के साथ रोटी कोई खाता है, कौन बोला। आशीष जी बोले हम खाते हैं, खाएंगे ना कि जाएंगे सब्जी लाने। आज सब्जी नहीं आया, पता नहीं दोस्तों इनका सब्जी लाना नहीं है हम लोग को। क्यों क्यों सब्जी लाएगी तू, अभी टमाटर बहुत है, टमाटर का चटनी, टमाटर का थी, वो सब खत्म करो। पता नहीं आशीष जी सिर्फ टमाटर खिला खिला के मुझे टमाटर बना देंगे। गोबर खाद लाए उनके टमाटर, हाँ जिनके यहाँ मतलब हम आशीष जी गोबर खाद हमेशा लाते हैं ना, उनको भी जाके दे देंगे, दे के आ जाएंगे, कि उनको भी बोलने का नहीं रहेगा कि मेरे को भी नहीं दिए ना जी, ऐसे नहीं पड़ेगा ना, इसलिए गोबर खाद और भी, फिर भी फिर कुछ सब्जी होगा तो फिर उनको भी जाके दे देंगे। चलो बेटा तुम हाथ धो लो, चलो चलो बहुत रोप लिया। तो हम जाए बाबू को देखिएगा, कौन बाबू, बूचन सोई हुई है, उसको नहीं काम कर रही, उसको देख। ओ चलिए आशीष जी तो इधर लगा रहे हैं, अब बोल रहे हैं जाओ तुम दे के आओ, तो देखते हैं बूचन तो सोई हुई है, अब बोल रहे हैं सोई भी रहेगी तो उठा के लेके जाओ, देखते हैं जाके अभी सोई है कि उठ गई है पता नहीं। रोती हुई नजर आ रही हमारी बिटिया, कहा हो गया मेरी बिटिया, अब इसको हम गोदी ले लेते हैं। क्यों रोती है बूचन, अब बाहर का लाइट भी चालू करना है, जा रहे हैं इतना टमाटर है, मतलब कुछ टमाटर प्लास्टिक में करके उनको जाके दे देते हैं और उधर से घूम घाम के भी आ जाते हैं। तो टमाटर ले लिए हैं अभी प्लास्टिक में करके, और आशीष जी अभी तक लगा ही रहे हैं, अभी तक 5 मिनट का काम है क्या, अभी मतलब रात भर लगाते रहिएगा का, तो वहाँ का पूरा घर लगा देंगे, वो जब तक खाद है जब तक लगा देंगे, मतलब जितना खाद है उतना लगा देते हैं, फिर कल खत्म हो जाएगा फिर कल लगा देंगे ना, तो हमारे देंगे ठीक है। जल्दी आना, देरी मत कर जाना। और दोस्तों जाते हैं ना तो मतलब बात करते करते पता ही नहीं चलता है कि कब आए कब नहीं, इतना ठीक है ना, और थोड़ा सा रहने दिए हैं, ले जाना उगते तो रहता है, उगते रहता है जाके दे दो। तो चले दोस्तों जा रहे हैं देने के लिए, फिर आते हैं, आशीष जी का इधर काम होते रहेगा। उधर तो भिंडी सब लगा दी हम, मंदिर लेके आइए नाश्ता, कैसे दिया 5 रुपया, 5 रुपया हमें सिंगाड़ा, कुछ नहीं दिया दोस्तों, तो जो नहीं दिया ना, तो 5 रुपया फिर बहुत सस्ता है, 5 रुपया मार्केट चाहिए, ढोल खाली नहीं दिल के सिंघाड़ा बड़ा बड़ा। चलिए दोस्तों आप लोग भी खा लेंगे सिंघाड़ा, चलिए हम लोग भी खाने चलते हैं, काफी बड़ा बड़ा सिंघाड़ा होगा 5 रुपया में, नहीं हमको भी कहीं और जाना है, इसीलिए 7:30 हो गया है, मतलब आएंगे 12 बजे रात को तक, नहीं अरे आ जाएंगे हम जल्दी, घर पे रहे ना, तुम्हें तो कहीं भागना है, अब कहीं लग रहा है छोड़ के भाग जाते, जैसे हम करते रहते, अब अभी जाइए तो फिर हम शाम में ही जाते हैं, हम दिन में नहीं जाते, तो 6 बजे गर्मी में कौन जाएगा, 5 बजे तो चलो आ जाइएगा, अभी जाइए। चलिए नाश्ता पहले कर लेते, बाद में सब विचार करेंगे, झोल वोल तो है नहीं दोस्तों, मजा कैसे आएगा पता नहीं। आओ बेटा लोगों यहाँ से निकल रहे, नाश्ता तो कर लिया, नंदिनी सिंघाड़ा बहुत सस्ता में लिखा, मजा आ गया, तुम रहो यहीं पर, हमारे ना चॉकलेट ले, चॉकलेट चॉकलेट लेके आएंगे, चॉकलेट ये बहुत बदमाश, हम भी जाएंगे, हम भी जाएंगे, कुछ देखिएगा सब्जी मन होगा तो लेते आइएगा, देखते हैं, नहीं तो घर में तो है ही दोस्तों, कभी साग कभी कुछ
बना दो पत्ता काट के इसका बना दो। इन्हों का पत्ता चटनी बनता है ना, बहुत ही बनता है दोस्तों, बना के स्टोर कर दो बन जाएगा, बना डाल सबको। चलिए निकल रहे हैं आगे दोस्तों। दाढ़ी बना के नंदिनी बैठी है, उठा दिया कौन और कौन गुलुआ, हाँ अपने उठा उठा है, सुतल थी बेचारी, पूरा इसको उलट पुलट दिया था। हाँ बाबू ऐसे करता तेरा भाई तेरे साथ, देख कैसे दिख रहे मासूम की तरह। एक तो है वो ज्यादा बदमाशी करता है, खुद तो जागता दूसरा को जगाता है। क्या हुआ क्या, आइसक्रीम खाएगा, आइसक्रीम पानी पिएगा, पानी मांग रहे, चलिए इसको पानी देते हैं। यहाँ पर पार दिया गया है, ये यहीं पर रहेगा, जा रहे हम लोगों खाना खाने। इधर कुल्लू भी बैठ गया खाना खाने के लिए, ये नंदिनी खाना निकाल रही है, दूध गुल्लू खाएगा, अरे बड़ा चीनी डाल दो चीनी, तभी वो खाता, ऐसे नहीं खाता दोस्तों। ये लो चीनी का साथ दूध, लो दूध पियो, चीनी चीनी क्या लेगा, ये तो नहीं बोल रहा। चलिए मेरे लिए साग बनाने, साग ही खा सब्जी, हम अपने लिए लाओ, ठीक है कोई बात नहीं, साग रोटी खाएंगे, चलिए खाते हैं, चटनी बचा, चटनी है ना, कोई दिक्कत नहीं। खाना तो हो गया दोस्तों हम लोगों का, इधर माँ बेटा और बेटी तीनों मिलकर देखिए मोबाइल देख रहा सब का सब, बाप रे इतना मजा आ रहा है लोगों को, तीनों को देखिए कैसे देख रहा है सबके सब ना, गुच्ची तुम भी देख रहा है मेरे को देख रहा है, गुच्चिया को देख मेरा तरफ देख रहा, मोबाइल देखती है बेटी, हाँ गंदी बात मोबाइल देखना, बुचन मेरे को देख रहा पता है। तो चलिए दोस्तों काफी रात भी हो गया, तो हम लोग चलते हैं अब सोने के लिए, और नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं। मच्छरदानी भी खुल गया, दब गया, ये कुछ ना कुछ ही काम करते रहते हैं, फाड़ने का विचार है, इतना मच्छर हो, और तुम बांध ही नहीं सही, खाली ऐसे टांग दिया तो खुलेगा नहीं, बहुत ही, अगर गिट्ठा वाले तो खुल जाता, देखिए ना इसको, इसको भी मोबाइल चाहिए, सबको एक तो मोबाइल दे देंगे, इससे अच्छा टीवी ले आएंगे, पर यही दिक्कत है, तो टीवी ला तो ले पर लगाएं कहाँ, क्योंकि पूरा एकदम प्लास्टर नहीं है, कहाँ लगाएंगे, सोचने पड़ जाते हैं, इसी चक्कर में टीवी नहीं लेते हम लोग। चलिए आज का ब्लॉग यहीं तक रखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय। अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों, हमारे वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद, तब तक के लिए बाय बाय।